खैरियत तो है ना? हाँ खैरियत है, वो मल्हार आया है ना खैर से तालीम मुकम्मल करके, आई उसको मुबारकबाद लेकर आए, पता वो इंग्लिश बोलना सीख गया है, जो भी उसके पास जाता है ना जाकर ऐसे गुजर कहता छोरी 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 या छोरी छोरी पता नहीं क्या है। बात हो गई क्या? अब चलो चलो बात हो गई, चलो जहाज कड़ा इसका, चलो उदास उदास करे, चादर तो पहनने दे। चादर तो ऐसे पहनती हो तू, इससे अच्छा है तू पहन ही नहीं। क्यों? अब मुंह तो खाली रखती हो, छुपाती क्या हो? बार बार देती है कुरान में फसाया है कि कुरान में तुम थे आज दादा इसराय की बार बार देती है। नहीं नहीं तुम पढ़ने नहीं जाओ, बस यहाँ कोई दुकान वगैरह खोलो, कम से कम मेरी नजरों के सामने तो रहोगे ना। सॉरी मैं पढ़ना चाहता हूँ, तालीम जरूरी है और तालीम सिखाती है जीने का सलीका। सोनी मेरे खानदान में कोई भी पढ़ लिख कर आज तक अफसर नहीं बना, मैं चाहता हूँ कि मैं पढ़ूं लिखूं और अफसर बनूं ताकि अपने खानदान का अपने माशरे का और अपने पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकूं। सोनी हम पढ़े लिखे होंगे तो हमारे बच्चे भी पढ़े लिखे होंगे, पर ना वो भी जाहिल और अनपढ़ होंगे। मुझे प्यार से इजाजत दे दो। अफसर बनने के बाद तुम मुझे कहीं भूल तो नहीं जाओगे ना? कसम से ऐसा किया तो मैं अपने आप को मार डालूंगी। अरे मेरी भड़कड़ सोनी, मैं अब भी तेरा हूँ बल्कि सिर्फ तेरा, और जब तक जिंदा रहूंगा तेरा ही रहूंगा। अरे अपनों से भी कोई शर्माते, तुम तो मेरी अपनी। मुबारक हो। किस बात की? आपने अपनी तालीम जो मुकम्मल कर ली है। खैर मुबारक, खैर मुबारक, मगर ये मुबारकबाद का सेहरा सिर्फ मेरे सर पे नहीं सजा, मेरी इस कामयाबी के पीछे, मेरी इस मेहनत के पीछे तुम्हारी दुआओं का और तुम्हारी मोहब्बत का बहुत बड़ा है। और हाँ तुम भी तो मैट्रिक पास हो ना, तो मैं चाहता हूँ कि अब तुम भी आगे पढ़ो। तो मैं आगे पढ़ के पता क्या करूँगी? नहीं स्वामी, नहीं खबरदार, जो तुमने ऐसी बात, एक औरत का पढ़ा लिखा हो ना बहुत जरूरी होता है। वेरी गुड, औरत पढ़ी लिखी हो तो घर को जन्नत बना देती है, और अगर एक औरत पढ़ी लिखी हो तो यह तालीम उसकी सात नस्लों तक जाती है, अगर औरत पढ़ी लिखी हो तो बच्चों में तहजीब अदब शौर आता है। तो मैं चाहता हूं कि अब तुम भी आगे पढ़ो। अच्छा बाबा अच्छा, ये बताओ मुझे मिस किया था या नहीं किया था? अब ये भी कोई पूछने की बात है? ये पांच साल कैसे गट गए तुम्हें अंदाजा भी नहीं, न दिन का पता चलता था न रात का, हर सांस मेरी सिर्फ तुम्हारे नाम से चलती, सिर्फ तुम्हारे नाम। मैंने भी आपको बहुत ज्यादा याद किया, यकीन नहीं आता तो कसम खा के बताओ। अरे मेरी पगली, जहाँ सच्ची मोहब्बत हो ना वहाँ इन कस्मों की जरूरत नहीं पड़ती। खैर तुम्हें क्या लगता है कि मैंने तुम्हें कभी याद नहीं किया? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि मैंने तुम्हें किसी पल में याद किया, मैंने तुम्हें हमेशा याद, और वैसे भी जब यार सामने हो तो फिर रोमांटिक तो होना बनता ही है ना। अरे भाई अब क्या गानों का इंतजार करेंगे क्या? है गानों तो होना चाहिए। अरे घर चलता हूँ। अरे अरे मल्हार एक बात बतानी थी, क्या है ना मेरे अम्मा अब्बा गए हो तुम्हारे घर। क्या तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वो मेरे घर पे क्यों गए? सोनी ये बातें सुनने की हद तक अच्छी लगती है,
वैसे मुझे अच्छा लग रहा है कि तुम बोल रही हो, तुम मुझे बताना चाहिए थे, मुझे जाने की इजाजत दो, मुझे जाने। अब आप जा सकते हैं। अल्लाह हाफिज। तेरी माँ खड़ी है, कुछ भी नहीं कह सकता तुमको,
अब आप कुछ कहो ना कहो उन पे असर नहीं होगा। मैं ना आज कमाऊंगा न कल कमाऊंगा, इंद बेला चला जाएगा दूध कौन लेके आएगा। कुत्ता इधर आ, इधर आ, ये तेरा बाप है, ये अच्छा ये तेरा बाप है, और बाप से ऐसी बातें कर रहे हैं बस। तू भी जूते तो नहीं उठाना, छोड़ इसको, आज के बाद तुझे अपनी कयामत काली कर दी मुर्दार। तू मुर्दार हो गया, दोस्ती हो गया। अमा थोड़ा है, थोड़ा है, अब बस हट पीछे करीब मेरे। अरे छोड़ नहीं तेरा बाबा, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो, मेरा मतलब है माफी दे दो। माफी मांग रहा है बच्चा, ये बेटा है, माफ कर भी दे। मुझे पता है, मुझे पता है ये क्यों माफी मांग रहा है, माफी के लायक नहीं करूंगा। जरूर इसका मुझ में कोई काम है, चले तो मेरी है ठंड नहीं का। क्या जमाना आ गया है, अल्लाह बात हो के बाप के औलाद में तू शक करता है, कुछ होता नहीं। हट हट, अरे आराम तू। अबे बेशक सही है, क्या मतलब निकल गया, मुंह से निकल गया। हाँ असल में मसला ये है कि अगर नंदड़ी पिचकड़ी है तो गुजारिश, अगर मनियो तो नाराज ना हो तो कहूँ बक। काम की बात कर, काम की कमी ने बक। अरे बक बक छोड़ इसको, कभी प्यार से भी बात कर लिया कर, हो सकता है वो कोई हमारे फायदे की बात करता। अब बेटा तू बोल बोल। ये जो तुम इस पर आसरा करके बैठी हो ना शाहू, ये तेरा आसरा आसरा ही रह जाएगा। मुझे पता है ये कितना निकम्मा है, हड हराम, मैं इसकी रग रग सेवा के तू कमीने की। अब आगे मेरे रग रग सेवा का दे दो, मेरे दिल की बात भी समझा करो ना बाबा। रे अभी तो मैं जरे घर इधर आया हूँ आपके, नौजवान हिकड़ाई पुटू पीरन पे कुछ को मांगा है तुमने, अल्लाह को मनो मेरी बात समझा भी करो ना। बस और कुछ भी नहीं है, 500 रुपए चाहिए थे काम का। सुन बेटे की बातें, सुन बेटे की, आ गया ना अपनी औकात पे कमीना। ये जो मेरे पेरे पर रहा था ना, मुझे तो उधर ही खुप गया था दिल में, इसका जरूर कोई लालच है मुझ में। समझ गई मैं, समझ गई। तुझे जरा भी हया नहीं है ना, तुझे पता भी है कि घर में 1 रुपया नहीं है कि हम दूध लेकर चाय पिए, काढ़ा पी रहे हैं, एक वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से खाते हैं, महंगाई का दौर चल रहा है, बेचारा सवेरे खिलौने लेकर जाता है, कोई बच्चा से खिलौने नहीं लेता है, और वैसे भी इस बेचारी की तबीयत खराब है, अरे घुटनों में दर्द है, पांव में दर्द है, कमर में दर्द है, बुखार तो वैसे इसको रहता है, तपता रहता है ये। अरे वाह, मैंने 500 रुपए की क्या बात की, अम्मा ने तो बाबे के बीमारियों की दुकान खोल दी, क्या बीमारियां बता दे। मेरा पी बीमार है, मुझे पता ही नहीं अभी तक। मजाक कर रहा हूँ, ये घर के कपड़े भी बेचेगा, सामान भी ले जाएगा।